हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हमारे यहाँ पे बीपीएससी की ये #4 है, यानी कि सीरीज़ आपको 4 देखने को मिल रही है ये पार्ट, जिसमें आज हम लोग एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड। क्योंकि लास्ट जो वीडियो में अपनी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी के बारे में बताई थी, तो उसमें से आप सभी का मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यही था कि बिहार करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, उसके लिए कौन सी बुक रेफ़र करें। तो मैं जो बुक रेफ़र कर रही थी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, उस बुक की बाकायदा मैं फ़ोटो भी दिखाऊँगी और उस बुक की मैं कॉन्टेंट भी दिखा दूँगी कि उस बुक में क्या क्या है। तो बस एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मुझे लगता है, सिर्फ आप एक बुक ही यहाँ पे रेफ़र करोगे तो आपका करंट अफेयर्स का, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स का काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अपकमिंग जितने भी आपके बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाले हैं, 67 बहुत जल्दी होने वाला है, आपका नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर तक आ जाएगा, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स होंगे, तो उन सब में आपको ये फ़ायदा होगा। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बीपीएससी की प्रीलिम्स देने जाओगे, उससे आपको 6 महीने पहले का, ठीक है, 6 महीने या फिर 1 साल का भी कवर करता है। आइए दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी यहाँ पे बुक को रेफ़र करती थी। सो ये बुक मैं रेफ़र करती थी जब भी मुझे देना होता था, लास्ट 66 से पहले मैं ये इसको रेफ़र की थी। ये आप लोग देख सकते हो केवीसी नैनो का है, पब्लिकेशन आप पूछ रहे थे, सो ये केवीसी नैनो की बुक है। और हाँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में मटेरियल मिलना बहुत आसान है, बट डिफ़िकल्ट हो जाता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए वन ऑफ़ द बेस्ट बुक है और इससे बेटर आपको कोई नहीं मार्केट में मिलेगा। तो आप आँख बंद करके इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, जो डेट है एग्ज़ाम का, उससे आप लोग 6 महीने या 1 साल का जो भी आपको मिलता है, आप उसको लेकर ज़रूर पढ़ाई करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि 10 अक्टूबर 2020 तक है। तो चलिए, बस इतना ही लिखा है कि आपका 10 अक्टूबर 2020 तक है, लेकिन इसमें क्या क्या कंटेंट है ये भी आपको डिटेल दिया गया। ऐसे नहीं दिया गया कि हाँ लास्ट 6 मंथ का या 8 मंथ का, लेकिन मैं इस बुक को पढ़ चुकी हूँ तो मुझे इसमें ये दिखा है कि ये 1 साल का है, ईयरली है ये। और इसमें आपको डिटेल दिख जाएगा कि बिहार स्पेशल के बारे में आपको यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए होंगे, साथ ही सारी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं इस बुक में। साथ ही बिहार स्पेशल है, हिट एमसीक्यूज़, 100 MCQs भी है कि बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में था उससे 100 MCQs भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, हम लोग बिहार, हमारा नेशनल और इंटरनेशनल वेज़ में जिस तरीके से न्यूज़ में रहा है, वो सारे टॉपिक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही नोबेल प्राइज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिक आपका क्वेश्चन बन जाता है, चाहे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि हाँ फिजिक्स में इस बार नोबेल प्राइज़ 2020 में किसको दिया गया, या फिर फिजिक्स में जो दिया गया वो किस रीज़न के लिए दिया गया, क्या खोज ऐसा किया गया जिसके लिए आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ तो आपको सारे रटने होते हैं, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। साथ ही इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्चुअली ये 2020 का बुक है, तो इसमें आपको सारे डिटेल्स जो है 2020 का ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड बजट 2021, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो बिहार का बजट भी आपको इसी में मिल जाएगा, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे भी आपको इसी में मिल जाएगी। दो पेज में होते सारे कवर हो जाते हैं, एक पेज में आपका इकोनॉमिक सर्वे कवर हो जाएगा और दो पेज में आपके बजट कवर हो जाते हैं। तो बहुत आसानी से जितने भी डेटा है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं ना, वो बिल्कुल फैक्ट्स होते हैं, एकदम फैक्ट्स आपको याद रखना है, सारे डेटास याद रख लेने हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग आपका ऑप्शन रहता है। तो ये आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर के लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन से न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं बिहार करेंट अफेयर्स की इस बुक के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिहार जहाँ पे भी न्यूज़ में था उससे रिलेटेड आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे न्यूज़। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के भी न्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स का, कोई बिहार के अगर ऐसे कोई प्लेयर्स है तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। अवार्ड्स अगर किसी को दिया गया है किसी भी फील्ड में, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। पर्सन एंड बुक्स के बारे में यहाँ आपका कवर हो जाएगा, ऑथर एंड बुक्स जिसे हम लोग कहते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स भी हिट MCQ है। लास्ट में आपको इस बुक के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स हिट MCQ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप MCQs सॉल्व करते हो, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हो उसी से रिलेटेड आप MCQs सॉल्व करते हो ना, तो चीज़ें आपके माइंड में स्टिक हो जाएगी। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, इसलिए मैं आप लोग को ये रेफर कर रही हूँ। चलिए इसके इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें किस किस तरीके से आपका अरेंज किया गया है। अब इस बुक में जो कॉन्टेंट्स है वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे तरीके से ये आपका अरेंज किया गया, तो ये इसलिए मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन कह रही हूँ। तो देख लीजिए, बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा 10 पेजेस में। देन बिहार एट ए ग्लांस, यानी कि बेसिक चीज़ें आपको बिहार के बारे में, जो भी आपका न्यूज़ में रहा है उस मीन्स करंट अफेयर्स के अलावा भी कुछ स्टैटिक है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर बिहार स्पेशल हिट MCQ है, ये बहुत ही बेहतरीन है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था।
ओके फिर नेशनल से इंटरनेशनल आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे पेजेस कवर किए गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई टॉपिक छूटा होगा, बहुत अच्छे से इसने कवर किया था। उसके बाद इकॉनमी है, साइंस एंड टेक है, स्टेट न्यूज़ भी है, बिहार से रिलेटेड जितने न्यूज़ है आपको इकट्ठे एक जगह मिल जाएगा, तो कहीं से भी आपको सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स भी है, कमीशन कमेटी जो भी न्यूज़ में रहे वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ऑपरेशन और कंपेन्स जैसे बहुत सारे चलाए जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर इकट्ठे मिल जाएंगे एक ही जगह पर। पर्सन इन न्यूज़ है एंड यस समिट्स कॉन्फ्रेंस भी है, बुक्स एंड ऑथर्स है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, साथ ही स्पोर्ट्स का एक अलग से कॉल्यूम है और स्पोर्ट्स में आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की पोर्शन को तैयार कर लीजिएगा चाहे वो बिहार का हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, क्वेश्चन तो यहाँ से दो तीन पक्के आते हैं और इतने ईजी आते हैं ना कि ये सारे क्वेश्चन तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। करंट रिमाइंडर है कि फिर से आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि पुराने हैं, जैसे आप स्कीम्स देखो कभी भी आप ये नहीं कह सकते ना कि ये स्कीम से क्वेश्चन क्यों आ गया, ये तो 2015 का था। सारे स्कीम्स जो होते हैं जो हमारे बिहार के भी स्कीम्स हैं, आप 7 निश्चय देख कर चलते हो और 7 निश्चय पार्ट सेकेंड भी आ चुका है, तो ये सारे जो स्कीम्स हैं ना इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स हिट क्वेश्चन है तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो ये कंटेंट है, आई होप कि आपकी ये जो क्वेरीज थी, ये जो प्रॉब्लम थी, ये डिस्ट्रॉय हो गई, डाउट डिस्ट्रॉय है कि नहीं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा, ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हो, मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं और हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश मीडियम में ढूंढने के बाद मुझे ये मिला था, तो ये आप लोग परचेज कर सकते हो। अब बात आती है कि इस बुक को कब पढ़ें, कब पढ़े का मतलब होता है कि मैं हमेशा आपको कह रही हूँ कि ये इस तरीके की जो मैगज़ीन आप ख़रीद रहे हो, मान लीजिए जैसे मेरा एग्ज़ाम 16th of December 2020 को था, ठीक है, सॉरी 2018 को था, जो मेरा प्रीलिम्स था मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो 2018 को था, मैं इस बुक को 1 महीने पहले ख़रीदी थी, ठीक है। 1 महीने का जो भी आपका करंट अफेयर्स होता है आप उसको कहाँ से कवर करें, तो एक महीने के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, अब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा बहुत हिंदुस्तान जो पेपर होता है हिंदी मीडियम में उसको आप लोग देखना स्टार्ट करो। उसके अगर आप वो पेपर नहीं भी देख सकते हो ना, तो एटलीस्ट उसकी फ्रंट पेज तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। और BPSC में आप देखो कि बहुत पहले क्वेश्चन सेट नहीं होते, 10-15 दिन पहले ही क्वेश्चन सेट होते हैं, तो 1 महीने पहले ये बुक खरीद लीजिए, या कोशिश कीजिए कि 20 दिन पहले बुक ये खरीद लीजिए जब तक आपको अवेलेबल हो रहा है, और 10 दिन का टारगेट लगाकर इसको पूरा पढ़ जाइए। एक बार रीडिंग दे दीजिए, उसके बाद 2 दिन में आप इसको ट्वाइस रीडिंग दे सकते हो। इस तरीके से आप 10 to 15 days में ये बुक को आप कंप्लीट कर लो, लास्ट में ही बिहार की आप कंप्लीट किया करो। पहले से बिहार के बारे में अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अगर हाउसवाइफ हो या फिर आपको और भी काम होते हैं, जॉब में हो, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हर साल 25 to 30 questions, ओके, ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, लेकिन 25 to 30 questions बिहार से ज़रूर आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर आपका रोल प्ले करता है आपके प्रीलिम्स में। और यही सारे डेटाज को जो है आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो, जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं ना मेंस में, तो वो भी मैं बताऊंगी कि ये मैगजीन आपका वहाँ पर भी काम आएगा। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं दे दी हूँ, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और मेंस स्ट्रैटेजी भी आपका आएगा, GS1, GS2 एंड ऑप्शनल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, बट प्लीज़ हैव पेशेंस, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि धीरे धीरे मैं आपकी सारी डाउट को डिस्ट्रॉय कर दूँगी, फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग मेरे इस सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बस मेरे साथ बने रहिए। आपको मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में BPSC को क्लियर करने के लिए कोई भी आपको ट्रबल फेस करना होगा। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे 11 बजे, ये आपका मैं फिक्स कर देती हूँ, डेली आपको BPSC से रिलेटेड सीरीज़ मिल जाएंगे मॉर्निंग में, और आपको 4 PM में विजन आई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो हमारी डिस्कस होगी। तो टाइम फिक्स कर देती हूँ, उसी टाइम पे आपको डेली देखने को मिलेगा, अब कोई आपको इशू झंझट नहीं होना चाहिए। और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन जाइए, जिससे कि डेली बेसिस पे जो वीडियो मिल रही है वो आपसे मिस ना हो। और अगर अच्छा लगता है तो बस लाइक कर दीजिए, और कोई भी और भी क्वेरीज है आपकी तो वो आप लोग प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे कल, आज के लिए बस इतनी, थैंक यू।